और ये रही भाई साहब इसे स्टॉल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉडल्स, ये सुंदर सुंदर तीन कन्याएं, यही तीनों ये स्टॉल चलाती हैं और लोगों की भीड़ लगती है भाई साहब, पूछिए मत। तो जी क्या हालचाल, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम एकदम सुहावना हो रहा है और इसी बीच हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत से फूड स्टॉल को कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। वो है चिका लिट्टी। चिका लिट्टी पे बनाया जाता है चिकन और लिट्टी और ये आजकल मरीन ड्राइव पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बना हुआ ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन आप एक बार एम्बियंस देख लीजिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। सामने गंगा नदी बह रही है और यहाँ पे तीन लड़कियाँ लिट्टी चिकन बनाती है, तावे के ऊपर यहाँ लिट्टी चिकन बनाया जाता है। एक लाइन से रखा हुआ है लेग पीस और सामने लिट्टी चिकन को फ्राई किया जा रहा है एकदम मसालों के साथ, बढ़िया मसालों के साथ, खुशबू कमाल की आ रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लिट्टी रखा हुआ है सेक के, ये लॉट उतरेगा फिर ये लॉट चढ़ेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार कोयले के ऊपर लिट्टी सेकी जा रही है। और पीछे आप आइए, लोग बैठ के खा भी रहे हैं, स्टॉल लगता है और तभी से इनके लिट्टी चिकन का डिमांड शुरू हो जाता है। पीछे लोग आप देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर बैठ के आराम से यहाँ के जायका का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए अभी हम स्टॉल पे आ चुके हैं और ये तीन लड़कियाँ यहाँ का पूरा कारोबार संभालती हैं और अभी चिकन लिट्टी बना रही हैं। तो ये लॉट लगभग ख़त्म होने वाला है ना मैम? जी सर। अभी मसाला डालिएगा इसमें? अभी मसाला डाल रही हूँ। अभी ग्रेवी डाल चुकी हैं और ग्रेवी बना के घर से ही लाती हैं। और ये हाफ चिकन पका हुआ घर से पका के लाती है ना, उसके बाद फिर ग्रेवी के साथ पकाती है पूरा। अब जा रही हूँ डालने मसाला। हाँ डालिए ना, थोड़ा सा चिकन मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये चिकन मसाला हो गया और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा कस्तूरी पत्ता, कसूरी मेथी, और इसमें थोड़ा सा डाल रही चाट मसाला जो ये चटपटा, चाट मसाला से चटपटा हो जाएगा ना। और थोड़ा धनिया, धनिया पत्ता जी। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, और सिर्फ यहाँ लेग पीस ही दिखाई दे रहा है, मतलब सिर्फ लेग पीस ही सर्व करते हैं क्या आप? नहीं, नॉर्मल पीस भी रहता है। नॉर्मल पीस तो दिख नहीं रहा, दे रहा है बना, कहीं और रखे हुए हैं? नहीं नहीं, इसके अंदर है ये। अच्छा, ये बन चुका है, रेडी हो गया है। और ये पूरा स्टॉल आप ही लोग संभालती हैं, तीनों लड़कियां मिलते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा अनीशा चौधरी। क्या नाम हो? अनीशा चौधरी। अनीशा चौधरी जी। और आप कहाँ से? मतलब यही पटना से? नहीं, नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल से आके यहाँ आप स्टॉल लगा के चिकन लिट्टी बेच रही हैं। कब से ये स्टॉल लगा रही? ये अभी तो हो गया 8-9 महीने हो गया। 8-9 महीने हो गया। और कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कितना प्लेट निकल जाता है हर दिन? वही 80-90 प्लेट। 80-90 प्लेट निकल जाता है। और क्या प्राइस है? 80 से स्टार्ट। 80 से स्टार्ट है। और कितने तक है? 120? 80 से स्टार्ट और 340 तक। 340 तक है। और टाइमिंग क्या रहती है स्टॉल की? वही 7-5 बजे से स्टार्ट होता है और रात में वही 12 बजे रात तक। तो देखिए चिकन लिट्टी फाइनली कंप्लीट हो गया और अब सर्व कर रही हैं। लोगों की भीड़ देखिए, मैंने कहा था ना इस चिकन लिट्टी को लेके क्रेज कितना रहता है। अभी चिकन लिट्टी बना है तवे पे, अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था कि लोगों ने भीड़ लगा रखी थी और जैसे ही बना वैसे ही फटाफट इनका चिकन लिट्टी निकलता है। तो चलिए हम भी एक प्लेट लगवाते हैं इनका चिकन लिट्टी और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा होने वाला है, उसके बाद बताते हैं कि कैसा स्वाद है। और ग्रेवी का ये आ गई हमारे पास चिका लिट्टी की चिकन लिट्टी। ये 200 रुपये प्लेट है, इसमें 2 चिकन लेग पीस है और 2 लिट्टी है। वैसे अगर आप 1 चिकन लेग पीस लेते हैं तो 100 रुपये प्लेट पड़ता है। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ का स्वाद कैसा होने वाला है। ये फ्राई किया हुआ चिकन के साथ फ्राई किया हुआ लिट्टी नहीं है। मैम ने कहा कि लोग ऐसे ही पसंद करते हैं ज़्यादा खाना, तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही ट्राई किया जाए। वैसे भुना हुआ लिट्टी तो बहुत खाया है, लेकिन ये ट्राई किया जाए कि कैसा रहता है। लेग पीस एक बढ़िया सा लेग पीस है और लेग पीस का ही डिमांड ज़्यादा रहता है यहाँ पर।
अच्छा से पका हुआ लेग पीस, लिट्टी भी अच्छा है इनका और चिकन भी एकदम लाजवाब है। इंग्रेडिएंट्स जो डाले गए हैं एकदम निखर के टेस्ट आ रहा, कड़क स्वाद है जो सत्तू के अंदर लिट्टी के अंदर जो सत्तू डाली गई है उसका भी जो मसाला तैयार किया गया, अच्छा मसाला तैयार किया गया। टेस्ट लिट्टी का भी अगर सिंगल हैंडली देखे तो अच्छा आ रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका टेस्ट अच्छा है। अगर आप मरीन ड्राइव पर आते हैं, पट्टा मरीन ड्राइव पे, तो इनका चिकन लिट्टी को एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिए और आपको कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अभी फ़िलहाल इस चिकन लिट्टी को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्योर मतलब शुद्ध घर जैसा, घर पे भी बनाते हैं क्या? हाँ, घर में जैसे बनाते हैं वैसा ही है स्वाद। कैसा लग रहा है टेस्ट मैम? बहुत टेस्टी है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इसको, बहुत अच्छा लगा। और जगह जो चिकन लिट्टी खाई होंगी उससे कैसा टेस्ट? नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा।